Hi guys, welcome back. My name is Akanksha and you're watching my channel AKS Academy. So guys, हमारा first unit successfully खत्म हो गया है. Now we'll be starting the second unit. और second unit में हम cover करने वाले हैं accounting concepts, conventions and standards. Accounting concepts, conventions and standards sound बहुत complicated करता है, but इतना complicated है नहीं. एंड ऑल्सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सारी जो अकाउंटिंग थ्योरी है या अकाउंटिंग का पूरा जो फॉर्मेट है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है. सो आज के लेसन में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझेंगे और फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके बारे में भी समझेंगे. सो फर्स्ट थिंग लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. What are accounting concepts? Accounting concepts are necessary assumptions and conditions. That means हम लोग ने कुछ assumptions और कुछ settings ऐसे कर ली है accounts में जो हमको हर बार follow करनी ही है और उनका हम लोग ने एक list बना लिया कि ऐसा ऐसा होता है, हम ऐसा ऐसा ही follow करते हैं. So it is necessary assumptions and conditions. What does it do? इट क्रिएट्स द फाउंडेशन और ग्राउंड. दैट मीन्स वो एक कॉमन बेसिस क्रिएट करता है सारे लोगों के लिए अकाउंटिंग फॉर्मेट फॉलो करने के लिए. अब मैं कोई दूसरा अजम्पशन यूज करूँ, आप कोई दूसरा अजम्पशन यूज करें, तो ऐसे तो हम कभी भी अकाउंट्स इन अ सिमिलर फॉर्मेट कर ही नहीं पाएंगे. अगर हमें अकाउंट्स एक सिमिलर फॉर्मेट में करना है तो For everyone, the rules, regulations, assumptions need to be the same. And वो ही हम follow कर रहे हैं यहाँ पर भी. Next, its importance and significance, appropriate accounting results. क्यों है ये important? Because ये सबको एक तरीके का result लाने में help करता है. So these are what is accounting concepts. Now, importance of accounting concepts. Number one, reliable financial statements. It helps in giving us reliability. Uniformity in presentation. सब लोग एक ही तरीके का फॉर्मेट बनाते हैं, एक ही तरीके के रूल्स फॉलो करते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आती है सबके अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में. जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट. सब लोग इसी को ही बेसिस ऑफ मेजरमेंट भी यूज करते हैं. इसके अलावा हम कोई और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो सब लोग एक कॉमन पेज पे आ जाते हैं. प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल. जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हेल्प होती है या वो उसको रेफर करते हैं, उनके लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक करेक्ट फॉर्मेट में आ जाती है. वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस. जो चीजें अप्रोप्रिएट हैं, करेक्ट हैं, उन्हीं को अजम्पशंस बनाया गया है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में. कोई भी तरीके की इधर उधर की बात इसमें नहीं डाली गई है. चलिए, सो विद दिस वी कम टू आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेगा. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. सो लेट्स से दैट वी हैव एन ओनर एंड वही ओनर की जो बिजनेस है वो है कि वो एक शॉप चला रहा है. सो ओनर एंड द शॉप दैट इज द बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि जो ओनर है और जो उसकी शॉप है वो टू सेपरेट लीगल एंटिटीज है. हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ओनर और उसका शॉप एक ही चीज है. ओनर जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में करेगा वो उसका अलग मैटर है और जो वो शॉप के लिए करेगा वो उसका अलग मैटर है. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल, कार परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज. अब अगर ओनर अपनी खुद की पर्सनल यूज अपनी फैमिली के लिए अगर गाड़ी खरीद रहा है तो वो हम लोग किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे? सिर्फ ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे, उसके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेंगे. लेकिन एग्जाम्पल, अगर वो इन्वेंट्री परचेज कर रहा है अपने शॉप के लिए तो फिर वो शॉप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा और ना कि उसके पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो हम लोग ने दोनों के बीच में एक सेपरेशन कर दी है, एक डिविजन क्रिएट कर दी है. क्यों? ताकि हम समझ सकें कि द ओनर एंड द बिजनेस
आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज एंड आप अपने आंसर में भी जब ये पूछा जाएगा ये वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नीड ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों होना चाहिए? नंबर वन, मेजर्स द परफॉर्मेंस सेपरेटली. अब ऑब्वियसली आपका पर्सनल और आपका बिजनेस दोनों सेपरेट कर दिया गया तो आप करेक्टली एस्टिमेट कर पाएंगे कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसी चल रही है. आपको दोनों के बीच में मिक्स नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपको कंफ्यूजन होगी. सो मेजर्स द परफॉर्मेंस सेपरेटली, रिड्यूसेस डिफिकल्टी. कभी भी हमें ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि अरे इधर का इसमें डल गया है या इसका इसमें डल गया है या फिर मिक्स हो गई हैं चीज़ें, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ किसमें डालें कौन सी चीज़ किसमें नहीं डालें या बाइफोकेट कैसे किया जाए. तो ये सारी कंफ्यूजन और डिफिकल्टी कम हो जाती है या तो एलिमिनेट ही हो जाती है. इंश्योर बिजनेस एंटिटी इज टैक्स्ड सेपरेटली. अब पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ पर्सनल इंडिविजुअल आपका टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है एंड जो आपकी शॉप है और बिजनेस है बिजनेस के ऊपर टैक्सेशन सिस्टम अलग होता है. सो दोनों के लिए अलग टैक्सेशन सिस्टम का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ना कि सब कुछ एक ही जगह लेके एक ही चीज के ऊपर ढेर सारा टैक्स भरे. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. एंड नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन. बस आपका काम ईजी हो जाता है, आपको पता रहता है कि बस ये मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं, इसको मैंने बिजनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं करना है. तो आपकी ये चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक और सिंप्लीफाई हो जाती हैं एंड दैट इज द रीजन यू हैव अ नीड फॉर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ओके, आगे नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. क्योंकि बहुत बार वो आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं और बोलते हैं प्लीज आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच हैज़ बिन स्पोकन अबाउट. सो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर जॉन हैज अक्वायर्ड अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग 3 हॉल्स फॉर रुपीज 1500 पर मंथ. ही यूजेस 2 हॉल्स फॉर हिज बिजनेस एंड 1 फॉर हिज पर्सनल यूज. तो उसका मतलब उसने 3 हॉल्स लिए हैं एट द रेट ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ. उसमें से उसने 2 हॉल्स को अपने बिजनेस के लिए यूज किया, इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. एंड उसने जो 1 हॉल है वो अपने पर्सनल रीजंस के लिए यूज किया, मेरी वो वहां पे रह रहा है, वो अपना खुद का वहां पे कुछ पर्सनल काम कर रहा है. डिटर्मिन वेयर शुड द रेंट एक्सपेंस बी रिकॉर्डेड. अब ये बहुत ही इजी है. जो 2 हॉल उसने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किए हैं उससे रिलेटेड जो भी रेंट होगा वो उसके शॉप के बिजनेस एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा. सो हॉल 1 and 3 रेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1500 शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जॉन्स बिजनेस अकाउंट्स बिकॉज दे आर प्योरली रिलेटेड टू द बिजनेस पर्पसेस. वेयर एज इन केस ऑफ हॉल 2 इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, आई मीन फॉर योर पर्सनल यूज पर्सनल पर्पस. हॉल 2 रेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1500 शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जॉन्स पर्सनल अकाउंट्स. वाई? बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड ओनली बाय हिम फॉर हिज पर्सनल रीजंस. वी विल नॉट मर्ज द टू. वाई? बिकॉज द पर्सनल द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. चलो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द ओनर ऑफ अ कंपनी लेंस लोन टू हिज कंपनी. हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. नाउ ओनर ने कुछ पैसे डाले हैं अपने बिजनेस के लिए. सो फॉर द बिजनेस दिस अमाउंट दैट ही द बिजनेस हैज गॉट फ्रॉम द ओनर नीड्स टू बी पेड बैक. सो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लोन पेएबल दिखेगा. लायबिलिटी साइड पे वी विल शो इट ऑन द बैलेंस शीट. लोन टेकन बाय द ओनर. फिर ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम दिखाएंगे लोन विच हैज बीन गिवन टू द बिजनेस. सो लोन रिसीवेबल दिखेगा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द ओनर. टू सेपरेट लीगल एंटिटीज, दोनों का अलग सिस्टम होगा, दोनों में अलग तरीके से दिखेगा. हम ये नहीं बोल सकते अरे ओनर और बिजनेस तो सेम है तो खुद को क्या लोन देना, ये हम नहीं बोल सकते हैं. दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर लोन. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल. मिस्टर सैम ओन्स अ कंपनी
he uses two different credit cards, one for the payment of business expenses and one for the payment of personal expenses. Two business cards, one for business expenses, one for personal expenses. He pays ₹200 as electricity of his bill, as electricity bill of his company using his personal credit card. How will this transaction be given effect under the business entity concept? अब उन्होंने क्या किया, 200 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल अपनी कंपनी का अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया. सो जो मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड थे, बिजनेस एक्सपेंसेस का एक पर्सनल एक्सपेंसेस का, पर्सनल एक्सपेंसेस वाले क्रेडिट कार्ड से 200 रुपीज हैज बीन स्पेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कंपनी, दैट इज द बिजनेस. सो इट इज गोइंग टू बी अकाउंटेड एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल कैपिटल. क्यों? क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो ओनर है उसने अपने पर्सनल पैसों में से कुछ पैसे अपनी कंपनी के लिए दे दिए हैं और कंपनी के लिए वो कैपिटल कंसिडर होगा और जो ओनर है उसके लिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड कंसिडर होगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दैट द बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. ओके, सो कमिंग अप नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी हमारा हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो सभी CBSE एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए, सभी चीजों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे एज वेल एज फेसबुक पे, AKS अकेडमी बाय आकांक्षा के नेम से. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे अपने सिलेबस से रिलेटेड या आपने कोई भी डाउट सॉल्व करने के लिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ऑन AKS Academy Business@gmail.com. Till then, stay home, stay safe, happy learning, bye-bye.